हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार, यूवी कंपटीशंस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, रोजाना की तरह मैं लेकर हाजिर हूँ डेली करंट अफेयर्स जी के, जो कि आपका हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में अपडेट्स हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज 28 अप्रैल 2019 के करंट अफेयर्स की हम बात करते हैं। साथियों, डेली करंट अफेयर्स के लिए यदि आपने हमारा चैनल यूवी कंपटीशन सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूवी कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसके साथ ही साथ यदि आप राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए अनअकैडमी ऐप पर मुझे फॉलो करें। अनअकैडमी ऐप पर फॉलो करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए साथियों, शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल न्यूज, राष्ट्रीय समाचारों की। द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च हैज लॉन्च्ड द मलेरिया एलिमिनेशन रिसर्च एलियंस मेरा इंडिया, विच इज ए कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ पार्टनर्स वर्किंग ऑन मलेरिया कंट्रोल इन ऑर्डर टू एलिमिनेट द डिजीज फ्रॉम इंडिया बाय 2030। द नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम NVBDCP ऑफ इंडिया हैज ऑल्सो डेवलप्ड ए कंप्रेंसिव फ्रेमवर्क टू अचीव द टारगेट ऑफ मलेरिया फ्री इंडिया बाय 2030। दोस्तों, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने मलेरिया एलिमिनेशन रिसर्च अलियांस मेरा इंडिया का शुभारंभ किया है। यह 2030 तक भारत से बीमारी को खत्म करने के लिए मलेरिया नियंत्रण पर काम करने वाले भागीदारों का एक समूह है। भारत के नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम ने 2030 तक मलेरिया मुक्त भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक व्यापक रूपरेखा विकसित की है। नेक्स्ट आइए बात करते हैं एग्रीमेंट समझौतों की। तो इंडियन आर्मी साइंड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU विद नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन NHPC लिमिटेड टू बिल्ड 4 अंडरग्राउंड टनल अलोंग चाइना एंड पाकिस्तान बॉर्डर्स फॉर स्टोरेज ऑफ एम्यूनिशन एंड अदर वार रिलेटेड इक्विपमेंट। 3 टनल्स विल बी बिल्ट अलोंग द चाइनीज बॉर्डर एंड 1 टनल विल बी बिल्ट अलोंग द पाकिस्तान बॉर्डर। द टनल कैन स्टोर 175 टू 200 मैट्रिक टन ऑफ एम्यूनिएशन एंड द कॉस्ट ऑफ हिज दिस पायलट प्रोजेक्ट इज अराउंड 15 करोड़ रुपीज। भारतीय सेना ने राष्ट्रीय जल विद्युत ऊर्जा निगम NHPC लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिसमें गोला बारूद और अन्य युद्ध से संबंधित उपकरणों के भंडारण के लिए चीन और पाकिस्तान की सीमाओं के साथ 4 भूमिगत सुरंगों का निर्माण किया जाएगा। 3 सुरंग चीनी सीमा के साथ बनाई जाएंगी और 1 सुरंग पाकिस्तान सीमा के साथ बनाई जाएगी। यह सुरंग 175 से 200 मीट्रिक टन गोला बारूद का भंडारण कर सकती है और इसे पायलट परियोजना की लागत लगभग 15 करोड़ रुपये है। नेक्स्ट आइए बात करते हैं अवार्ड्स पुरस्कार की। तो द सेकेंड एडिशन ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेसी प्राइज वाज अवार्डेड टू ऑथर राणा दास गुप्ता फॉर हिज 2000 नोवल सोलो ए टेल ऑफ एस्ट्रेंजमेंट एंड द अल्टीमेट फेलियर ऑफ मेटेरियल एग्जिस्टेंस। द रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेसी प्राइज फॉर सोशल अचीवमेंट वाज अवार्डेड टू योही सासाकावा फॉर हिज इनक्रेडिबल इफर्ट्स टू अपरूट लेप्रोसी एंड ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन टू वर्ल्ड पीस। रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार के दूसरे संस्करण को लेखक राणा दास गुप्ता को उनके 2010 के उपन्यास सोलो ए टेल ऑफ एस्ट्रेंजमेंट एंड द अल्टीमेट फेलियर ऑफ मेटेरियल एक्सिस्टेंस के लिए प्रदान किया गया था। सामाजिक उपलब्धि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार से कुष्ठ रोग को दूर करने और विश्व शांति के लिए महान योगदान के अविश्वसनीय प्रयासों के लिए योही सासाकावा को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आइए बात करते हैं बैंकिंग और बिजनेस न्यूज, बैंकिंग और व्यापार समाचार की। तो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल शॉर्टली इशू 20 रुपी डिनोमिनेशन बैंक नोट इन द महात्मा गांधी न्यू सीरीज बियरिंग द सिग्नेचर ऑफ श्री शक्तिकांत दास गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। द न्यू डिनोमिनेशन हैज द मोटिव ऑफ एलोरा कैवास ऑन द रिवर्स Depicting the country's cultural heritage, the base color of the note is greenish yellow. The dimension of the banknote will be 63 mm into 129 mm.
मेरे प्यारे साथियों, भारतीय रिजर्व बैंक शीघ्र ही महात्मा गांधी श्रृंखला का नया 20 रुपए का मूल्य वर्ग का नोट जारी करेगा, जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकांत दास के हस्ताक्षर होंगे। नए मूल्य वर्ग नोट के पीछे देश की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हुए एलोरा की गुफाओं को उत्कीर्ण किया गया है। नोट का जो बेस कलर है वो ग्रीनिश येलो है और बैंक जो नोट है उसका आयाम यानी कि 63 मीटर मिलीमीटर उसकी चौड़ाई होगी और 129 मिलीमीटर उसकी लंबाई होगी। नेक्स्ट बात करते हैं स्कीम्स एंड कमिटीज, योजनाओं एवं समितियों की। तो द सेंट्रल वर्क पब्लिक डिपार्टमेंट CPWD हैज कंस्टिट्यूटेड एन एक्सपर्ट कमेटी टू फॉर्मुलेट ए डिजाइन पॉलिसी फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। द कमेटी हैज सेट अप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ CPWD एडिशनल डायरेक्टर जनरल MK शर्मा। सेंट्रल वर्क्स पब्लिक डिपार्टमेंट CPWD ने भवन निर्माण और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एक डिजाइन नीति तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। समिति का गठन CPWD के अतिरिक्त महानिदेशक MK शर्मा की अध्यक्षता में किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं समिट एंड कॉन्फ्रेंस सम्मेलन और शिखर सम्मेलन की। 5th एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन ABU मीडिया समिट ऑन क्लाइमेट एक्शन एंड डिजास्टर प्रिपेरेडनेस हेल्ड इन काठमांडू। द थीम ऑफ द 2-day समिट वाज मीडिया सॉल्यूशन फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर सेविंग लाइव्स बिल्डिंग रेजिलियंस कम्युनिटीज। क्लाइमेट एक्शन एंड डिजास्टर प्रिपेयरनेस पर 5वीं एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन मीडिया समिट का आयोजन काठमांडू में किया गया। 2-दिवसीय शिखर सम्मेलन का विषय मीडिया सॉल्यूशन फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर सेविंग लाइव्स बिल्डिंग रेजिलियंस कम्युनिटीज था। और बात करते हैं नेक्स्ट और लास्ट न्यूज स्पोर्ट्स न्यूज खेल समाचार की। तो अभिषेक वर्मा वॉन द 10th एयर पिस्टल गोल्ड मेडल एट द ISSF वर्ल्ड कप एट बीजिंग चाइना। ही क्लिंच द टॉप स्पॉट विद ए टोटल स्कोर ऑफ 42.7। रशियाज आर्टम चेर्नोस्व टुक सिल्वर। हिज ब्रिलियंट परफॉर्मेंस इन द शूटिंग वर्ल्ड कप फाइनल आल्सो सिक्योर्ड ए 5th ओलंपिक कोटा फॉर इंडिया। अभिषेक वर्मा ने बीजिंग चीन में ISSF विश्व कप में 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने 242.7 के कुल स्कोर के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया। रूस के आर्टेम चेर्नो को रजत पदक प्राप्त हुआ। शूटिंग विश्व कप फाइनल में उनके शानदार प्रदर्शन से भारत ने 5वां ओलंपिक कोटा हासिल किया है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे आज के मुख्य समाचार जो कि आपका करंट अफेयर से सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब UV कंपटीशन चैनल और साथ ही साथ हमें अनअकैडमी इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।